तो भाई हो गई है सुबह की गुड मॉर्निंग और सबको है सुबह की राम राम। तो भैया आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि रोज भगवान मेरा दिन इतना अच्छा करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं है। तो यार अभी तो फिलहाल आज गाड़ी सर्विस के लिए भी देनी है पहला काम। दूसरा सुबह का हमारा नाश्ते का टाइम है तो पहले नाश्ता तैयार करते हैं और आज जो नाश्ते में हम बनाने जा रहे हैं वो है ये। तो थैंक्स ऊपर वाले का अच्छा सा नाश्ता कराने के लिए, हेल्दी हेल्दी नाश्ता कराने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए कि अच्छा नाश्ता कर पाऊँ, अपने परिवार को दे पाऊँ। और भगवान से प्रार्थना कि आप सबके घर पर भी अच्छा अच्छा नाश्ता बने, हेल्दी वाला नाश्ता बने, पिज़्ज़ा बर्गर ना आए। ठीक है तो चलो यार अब करते हैं आगे की शुरुआत, बनाते हैं अपना जूस और देते हैं मंतू को पिलाने के लिए। मंतू फिलहाल धो रहा है कपड़े, है ना, तो मैं तब तक उसकी हेल्प करता हूँ और बना देता हूँ उसके लिए जूस। क्या बात है, वाह, सरकार तू गलत मार रहा है, अरे ऊपर तू चलने गलत से मार अरे रहा है बस। खेल दोनों बहुत अच्छा रहे हो। प्लीज स्टॉप। उल्टा बोला था सुबह सुबह मेरे बेटे 6 बजे बैडमिंटन खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, रोज खेलना ना, फिर रोज खेलना, मन हो रहा था इसका मन। तो यार अभी फिलहाल निकल गए हैं गाड़ी की सर्विस के लिए और ये हमारे उज्ज्वल भाई भी आ गए हैं हमारे साथ पे, तो हम दोनों निकलते हैं सर्विसिंग के लिए। यो कहते हैं अपने भांजे से अपने पाँव नहीं छुवाने चाहिए, उससे तुम्हारे पुण्य कम हो जाते हैं और अपने पुण्यों की तो लाइन लगी पड़ी है ऐसे ही। फिलहाल जिम्मा ले रहे हैं हमें पहुँचाने का, चलो भैया निकलते हैं। तो यार अभी एक डेमो ख़त्म किया और फाइनली ये मशीन हमारी 99.999999% हो चुकी है, क्योंकि जिनके साथ मेरी बात चल रही है उनकी एक सबसे, उन्होंने जब इस मशीन के बारे में सुना था ना तो उनका जो पहला शब्द था कि ये मशीन मैं केवल जो परचेस कर रहा हूँ वो आर्थिक वजह से नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक वजह से कर रहा हूँ, मतलब मैं लोगों का अच्छा कर सकूँ इसके लिए मशीन परचेस कर रहा हूँ, अगर इसके अलावा कुछ और ज़्यादा भी इसमें पैसा दिखता तो शायद मैं इसमें नहीं आता। नहीं तो ऐसे भी लोग आज इस दुनिया में हैं, बताओ, जो लोग केवल पैसे को देख करके नहीं आते, आज भी लोगों के मन में है कि यार अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो शायद इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब उसके पीछे हो सकता है उनके कुछ एक्सपीरियंस हों अपने, बट मुझे ना उनसे पर्सनली मिल करके बहुत अच्छा लगा। दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, बहुत तसल्ली से उन्होंने डेमो देखा पूरा, उनकी जो क्वेरीज थी वो उन्होंने दी और काफ़ी लंबे समय से मेरी उनसे बातें चल रही हैं। तो वो हमारी टीम पे बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे शख्स जुड़ने वाले हैं जो लोगों का भला करने वाले हैं, ऐसे लोग चाहिए टीम पे। जो लोग पैसे को देख करके इस कैंगन में आए हैं वो सारे फेल हो चुके हैं। आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग ना कैंगन को इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमा सकें और आज वो है ही नहीं यहाँ पर, केवल वो लोग सक्सेस हैं और ये रिकॉर्ड है अभी तक का जिन लोगों ने केवल, मतलब आप पानी दे रहे हैं ना तो ये पूछते नहीं कि आप किसके लोग हैं, कौन है, क्या है, इस तरह से, मतलब कुछ भी, बट आपके मन खाली होता है जब आप केवल यहाँ से करते हैं, मन से दिल से करते हैं और ये दिमाग खाली होता है, ठीक है ना, तो सोचता नहीं है क्योंकि दिमाग ना आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। तो चलिए बहरहाल मंतु का जूस भी तैयार, क्योंकि सुबह से जूस भी नहीं बन पाए, जूस पी नहीं पाए थे तो मंतु तो लगा मम्मी से बात करने में, सफाई में, और ये हमने बना दिया भर करके जूस। यार ये हो गए हमारे ग्लास तैयार और अभी बचा इतना जूस। यार खाना पीना हो गया है और अब जा रहा हूँ गाड़ी को लेने के लिए। मुझे लगा शायद वो ड्रॉप कर देंगे साईं वाले भैया, पर वो कह रहे हैं यार आज ऐसी व्यवस्था है नहीं यहाँ पर, तो भी रुक करके यहाँ कर रहा हूँ ऑटो का वेट। और दिनों इतने सारे ऑटो दिखते थे, आज ऑटो ही नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए ये ऑटो वाले, सारे ऑटो खड़े भी दिख रहे हैं और है भी कोई नहीं अभी, देख कोई ना कोई तो आएगा। तो भैया यार आखिरकार पहुंच गया हूँ घर, आज गया था हल्दूचौड़, वहाँ बुआ गुजर गई थी तो आज उनके मुँह के पास गया था,
तो आज मंगलवार था तो मतलब मिलने का वार था, तो आज वहाँ मिलने के लिए गया था। और जो छोटे दादा हैं दिबदा, उनसे मैं आज से 22 साल पहले मिला था। बड़ी दीदी की शादी थी तो उनकी दुकान से सामान खरीदा था, उनकी है धरनोला के पास पे दुकान। बस वे थक हार करके आज एक वो गाड़ी का लॉक भी ख़राब था बहुत सा, एक दिन रोहित से लग गई थी हल्की चोट तो सेंसर ख़राब हो गया था, तो फिर वो बनाते बनाते ना बहुत लेट हो गया यार, अभी 8 बज गए आते आते। और घर पहुँचे तो यहाँ हमारी बच्चा पढ़ रही है किताब, ये देखो अच्छे अच्छे बच्चे मेरे किताब पढ़ रहे हैं। हाय शाबाश बेटा, पढ़ो हैं अच्छे, सुबह अच्छी तरह पढ़, हाँ मत करना। और आज आ गई है मेरी दीदी भी, ये देखो दीदी से भी होगी मेरी मुलाकात। हैं पनीर लेने जा रहा है, चल अच्छा। तो यार हो गई है खाना बनाने की तैयारी, और आज है फिर से हमारा एक ही स्पेशल, वह है बिरयानी स्पेशल। इसमें है लौकी की सब्जी, ये सब कहते हैं लोग, कहते हैं यार बिरयानी खाते रहते हैं, इनके गर्म के तौर बनता नहीं है। अब ये बिरयानी में भी कितनी मेहनत, पहले इसको फ्राई करनी है सब्जी गोभी पनीर, पहले सब फ्राई करो फिर उसके बाद। अभी देखो ये चावल हमने 11:30 में भिगा रखे हैं, ये पूरे भीगेंगे पहले, फिर उसके बाद ये फ्राई होंगे चावल पूरे अच्छी तरह से कॉले जाएंगे। हैं खिचड़ी, खिचड़ी होती है अलग चीज़ भाई। और तो उठो उठो छोड़ो, तुम मेरे को मेरा काम करने दो, अरे मैं तल लूँगा ना, तुम छोड़ दो। और यहाँ हमारा बच्चा पार्टी कर रही है राखी बनाने की तैयारी, अंजलि दीदी उनको कर रही है गाइड। तू मम्मी का फोन साफ मत कर, तू राखी बना। वो देखो कार्तिक बना रहा है यहाँ राखी, और एक राखी यहाँ कार्तिक ने दी है बना। अरे वाह क्या सुंदर बनाई है यार, बहुत ही प्यारी, बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा उम्दा, देखा बहुत अच्छा लगे यार। अरे इसी भी तो करने दो यार। तो भैया बन गया है खाना, सुबह भाई को लग रही है नींद, हैं सर दर्द, क्या बात भाई सर और दर्द क्यों हो रही होगी, क्या रीजन होगा ऐसा होने का। मुझे ऐसा लगता है शायद भूख लग रही है, शायद प्यास लग रही है, प्यास। देखा मम्मी एक ग्लास दे दे बच्चे को, ओए ऐसे नहीं। तो यह खाना हो गया है फिनिश, और यहाँ चल रही है गपशप, ये देखो मंतु भी हमारी आ गई है राज्यसभा की सदस्य बन के, लोकसभा से उठ करके ये अध्यक्ष महोदय हैं, इनको अपने इजाज़ बाबू बार बार याद आते हैं, इनको इनके इजाज़ बाबू बार बार याद आते हैं, कि बैठते समय ईजा कहती है उठते समय वो बाबू कहती है, याद कर लेना। अरे हाँ आपके जिया जी हमने देखे नहीं है, बस बताओ ऐसे बहुत होने गए थे। तो भैया हो गया गुड नाइट का टाइम, और कृपा ऊपर वाले की आज फिर से बरसी है, आज का दिन बहुत अच्छा किया, गाड़ी की सर्विस कराई आज के दिन पे, घर पे एक होम मीटिंग थी, एक नए कैंगन की बात हुई, दीदी लोग आज घर पे आए बहुत लंबे समय के बाद, दीदी लोग गए थे पिथौरागढ़ पे मोदीगेर की मीटिंग के लिए, और फिर बच्चों के साथ बाकी टाइम बच्चों के साथ बिताया है। तो कितना अच्छा लगता है जब आप ना अपने परिवार के साथ रहते हो, तो थैंक्स फिर से ऊपर वाले का यार, मतलब नज़र ना लगे मुझे ना मेरे इस सपने को कि मैं मेरे परिवार के साथ हमेशा रहूँ, मतलब जब मैं चाहूँ मैं मेरे परिवार के साथ रह सकूँ, इसके लिए थैंक्स। तो चलो मिलते हैं कल, है नहीं, ओके सो गुड नाइट, बाय बाय।